हरे कृष्णा। तो हम गीता तत्वमाला पुस्तक से चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक हमने भगवद गीता से भक्ति तत्व के श्लोक चर्चा किए, और कल हमारा जो कृष्ण तत्व वो भी कंप्लीट हुआ। तो भगवान ने भक्ति के बारे में जो जो बताया वो हमने चर्चा किया, और अपने अपने बारे में बताया वो भी चर्चा किया। अभी आज से हम चर्चा करेंगे विभूति तत्व। आज से मतलब आज ही के दिन, फिर कल चेंज हो जाएगा, इतने ज्यादा श्लोक नहीं है। तो विभूति तत्व तो मतलब विभूति शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ विभूति मतलब कुछ विशेष शक्ति, पावर, एक्सेप्शनल पावर। तो भगवान की विभूति, भगवान की कुछ इस तरह की अचिंत्य शक्ति, स्पेशल पावर, उसके बारे में भी भगवान बताते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवद गीता का एक श्लोक है। विभूति का शब्द ऐश्वर्य भी आता है, एक अध्याय है गीता का, उसका नाम है ऐश्वर्य योग, विभूति योग। तो उसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानना चाहता है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप बताइए अपने ऐश्वर्य के बारे में कुछ। तो इस तरह भगवान के ऐश्वर्य पे जान के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्या मिलेगा ऐश्वर्य के बारे में जान के? भगवान के माधुर्य के बारे में जानेंगे क्या? ऐश्वर्य है तो क्या फायदा मिलेगा भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानने से? कोई आप में से आंसर करना चाहे तो टाइप कर सकते हैं। भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की एक्सेप्शनल पावर, इसके बारे में अगर हमें कुछ नॉलेज होगा तो इससे हमारा क्या फायदा, इससे क्या फायदा मिलेगा हमें? भगवान के बारे में पता चला, अच्छा भगवान इतने महान है, मुझे क्या? भगवान है महान, उनका इतना ऐश्वर्य है, मेरा तो नहीं है। मान लो कोई अमीर अमीर आदमी है, उसकी विभूति, उसके ऐश्वर्य के बारे में हमें पता चलता है, उसके पास बड़ी बड़ी कार है, उसके पास 40 कार है, उसके पास 10 बंगले हैं, उसके पास मर्सिडीज है। इस तरह उसके अलग अलग ऐश्वर्य पता चलेगा, उसका इतना बड़ी बड़ी कंपनी है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, इस तरह बहुत कुछ पता चलता है उसके बारे में। तो हमें क्या फायदा मिलेगा उसके बारे में सुनने से? हमें कुछ फायदा मिलेगा क्या उसके उसके ईश्वर से? हमें क्या फायदा? और ईर्ष्या होने लगी, अरे इसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो इससे तो अच्छा उसके बारे में नहीं सुने तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो हमारी भी इच्छा होगी, मेरे पास भी होता तो अच्छा रहता, मेरे पास तो है नहीं। तो भगवान के ऐश्वर्य को जानने से हमें क्या मिलेगा? तो एक आंसर आया, हाउ गॉड इज ग्रेट, ये हमें पता चलेगा। एक हमें पता चलेगा भगवान कितने महान है, ये जानने को पता चलेगा ना कि भगवान बहुत महान है, पता चलेगा तभी तो ये सब ज्ञान होगा, तब पता चलेगा कि भगवान कितने महान है। तो जैसे मैं उदाहरण दिया कि अमीर व्यक्ति, उसके ऐश्वर्य के बारे में पता चलेगा, क्योंकि उस अमीर व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसीलिए उसके ऐश्वर्य के बारे में हम जान भी लेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा कोई सगा नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या मतलब उसका ऐश्वर्य जानने? सही है, लेकिन भगवान तो हमारे सगे हैं, हम भगवान हमारे हम भगवान के अंश है, भगवान से कनेक्टेड है, भगवान के साथ हमारा संबंध है। तो इसीलिए भगवान का ऐश्वर्य जानने से हमें लाभ मिलेगा, पता चलेगा, उससे हमारा उससे हमें बेनिफिट होगा, लाभ होगा। विशेष रूप से भगवान का जब पता चले, भगवान इतनी शक्ति है, इतना पावर है, तो हमें पता चलेगा कि मैं कितना इनसिग्निफिकेंट हूँ भगवान के सामने। जब एक तो इस तरह पता चलेगा तो अपने आप हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी, हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी, और विनम्रता आएगी, शरणागति का भाव होगा, क्योंकि भगवान को हमें शरणागत होना है। तो इसीलिए वो तभी शरणागति का भाव आता है जब इस तरह भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे। जानेंगे नहीं ऐश्वर्य को तो शरणागति का भाव कठिन है, इसलिए भगवान का ऐश्वर्य जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने बताया भगवद गीता में अपने ऐश्वर्य के बारे में। अर्जुन ने पूछा भी प्रश्न भगवान से कि आप अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए, तो भगवान ने बताया अपना ऐश्वर्य क्या है, 10वें अध्याय में ऐश्वर्य बताया, फिर अपने विराट विराट रूप बताया भगवान ने, और जानो कितना शक्ति है मेरे अंदर, तो विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप के अंदर भी काल रूप दिखाया,
इतना ऐश्वर्य जानने के बाद व्यक्ति को एक तो ऐश्वर्य से पता चल जाएगा हाँ ये भगवान है, और फिर उनकी शरणागति, उनके प्रति उनसे एक जुड़ने की इच्छा होगी। और एक और है कि उनके बारे में हम कॉन्स्टेंटली सोच सकते हैं, ईश्वर के बारे में, जब किसी हमारे आसपास के पड़ोस के व्यक्ति किसी के पास बहुत कुछ है, बहुत ऐश्वर्य है, तो हम उसके पास सोचते रहेंगे ना, अरे इसके पास इतनी कार है, इसके पास इतना अच्छा बंगला है, तो हमारे माइंड में उसका चिंतन चलता है, क्योंकि तो उसका ऐश्वर्य हमारे हमारे माइंड में चलता रहता है, उसका इतना ऐश्वर्य, उतना ऐश्वर्य है। तो भगवान के बारे में भी हमारा चिंतन ज्यादा होगा, जब भगवान को ऐश्वर्य को जानेंगे तो हम और अच्छे से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, इसीलिए भगवान के ऐश्वर्य को जानने की आवश्यकता है। तो अभी हम एक एक करके कुछ श्लोक पढ़ेंगे जो भगवान के ऐश्वर्य से जुड़े हुए हैं। रोज तो पीपीटी से श्लोक दिखाते थे, आज पीपीटी अभी बन नहीं पाया है तो इसीलिए डायरेक्ट इसी से दिखा देते हैं। तो दसवें अध्याय का नाम ही विभूति योग है, तो दसवें अध्याय से हम शुरू करते हैं। इसमें भगवान बोलते हैं कि भगवान की जो विभूति है उसकी कोई सीमा नहीं है, हमारी जितनी हमारा जो ऐश्वर्य है, हमारी विभूति है, उसकी एक सीमा रहती है ना। हम देखते हैं दुनिया के करोड़ों प्रति व्यक्ति की लिस्ट देखते हैं, तो उसके पास पता चला कि इसके पास इतनी संपत्ति है, फिर सेकंड नंबर के आगे इसके पास इतनी संपत्ति, थर्ड वाला आगे इसके पास इतनी संपत्ति है, तो एक लिमिट आ जाता है ना कि इसके पास इतनी ही संपत्ति है, इसके पास 10 गाड़ी, इसके पास 20 बंगले है, तो एक सीमा आ गई कि इसके पास इतना ही है, तो उसके ऐश्वर्य की सीमा है, उसकी विभूति की सीमा है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। ये भगवद गीता का श्लोक ये बताता है कि भगवान के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि मेरी नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां, मेरा जो ये दिव्य विभूति है इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, बढ़ती जाती है भगवान की विभूति। जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, कभी ऐसा नहीं आएगा, समय नहीं आएगा कि अब मुझे भगवान के बारे में सब कुछ पता चल गया, कभी वो समय नहीं आएगा। हमेशा इतनी अनलिमिटेड भगवान की विभूति है, जीवन भर निकल जाएगा, एक जीवन क्या, करोड़ों करोड़ों जीवन भी अगर निकलेंगे तो भी हम भगवान के बारे में पता नहीं लगा सकते, विभूति के बारे में, इतना अनलिमिटेड विभूति है। तो भगवान जब की इतनी जब विभूति अनंत है, तो इसलिए भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि एष तुद्देश्य प्रोक्तो, भगवान ने बोले कि मेरी विभूति तो अनंत है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, थोड़ा सा बस एडवर्टाइज कर देता हूँ, इतनी विभूति है बताना संभव नहीं है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा एक एक ग्लिम्स बस दे रहा हूँ, सुन लो उसको, मैं अभी जो तुम्हें बता रहा हूँ ये बस उस मेरी विभूति का एक ग्लिम्स है। नेक्स्ट श्लोक, यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवः। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमतम उर्जितमेव वा, यद्यद् विभूतिमत्सत्वं, तो भगवान बोल रहे हैं कि जितना भी ऐश्वर्य दिख रहा है ना, जो सुंदरता दिख रही है, ये पूरा बड़ा क्रिएशन है, तो बोले ये तो मेरे ऐश्वर्य की एक छोटी सी झलक है, जो इतना बड़ा हम सृष्टि देख रहे हैं, ब्रह्मांड देख रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड है, कितना बड़ा सूर्य है, पृथ्वी के कंपैरिजन में दूसरे ग्रह का साइज पता लगेगा ना, हमें लगा इतने बड़े बड़े ग्रह है और इतना उसका प्रकाश है, इतने दूरी है, तो इस तरह एक ब्रह्मांड इतना बड़ा है, और भगवान बोल रहे हैं कि ये एक ब्रह्मांड जो दिख रहा है, एक क्रिएशन जो दिख रहा है, मेरी सुंदरता है, जो ऐश्वर्य है, बोले ये तो मेरे ऐश्वर्य की एक थोड़ी सी झलक ही है, ये स्पार्क है बस, जो हम जो अभी पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो सृष्टि देख रहे हैं, जितनी अनंत है, ये भगवान भगवान की विभूति का केवल एक एक स्पार्क है,
तो पूरा सूर्य कितना बड़ा है, मतलब एक सूर्य है उसकी एक किरण को हम देख पा रहे हैं, फिर सूर्य की कितनी कितना शक्ति होगा, कितना प्रकाश होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि कितना भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का ऐश्वर्य समझने की बुद्धि है ही नहीं हमारे पास, हमारी बुद्धि में उतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के ऐश्वर्य को हम समझ पाएंगे। अथवा बहु नहीं ते न किम ज्ञाते वतवा अर्जुनम निष्टभ्या अहम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। तो भगवान बोल रहे हैं कि अथवा बहु नेते न किम ज्ञाते हो, तो इसीलिए इतना डिटेल नॉलेज की तो आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें बता भी नहीं पाऊंगा। ये कंटिन्यूअस चल रहे सारे श्लोक। भगवान बोले कि इतना डिटेल में अपनी विभूति के बारे में तुम्हें बता भी नहीं पाऊंगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, और तुम बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश के द्वारा ये पूरे ब्रह्मांड को, मेरे जो एक स्पार्क है, एक अंश है, सिंगल फ्रेगमेंट, एकांशेन स्थितो जगत, लास्ट में ना एकांशेन, तो एक अंश से पूरा ये जगत ब्रह्मांड वो पूरा सपोर्ट हो जाता है एक अंश से। तो भगवान का कितना अनगिनत इस तरह भगवान की विभूति है। तो ये भगवान का जो अभी श्लोक पढ़ रहे हैं हम, विभूति तत्व वाले श्लोक है, इसमें भगवान से कि भगवान का एक अंश पूरे ब्रह्मांड को सपोर्ट करता है, एक अंश में इतनी शक्ति है। दसवें अध्याय का 39 नंबर श्लोक, नथिंग एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा। तो इस ब्रह्मांड में जब एक अंश है वो भगवान की, उसका एक अंश है, तो कुछ भी भगवान के बिना कुछ अस्तित्व में कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान के द्वारा ही सृष्टि हुई है, भगवान की सृष्टि के बाहर कुछ नहीं है। तो ये श्लोक में भगवान बोलते यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं, तो जो भी सृष्टि में देख रहे हो उसका जो बीज है, उसकी जो सृष्टि है वो मेरे से है, भगवान ही कहीं ना कहीं उसके उसकी सृष्टि के कारण है, बीज है, हम बीज प्रदा-पिता, एक श्लोक में भगवान बोलते हैं। तो भगवान की सृष्टि के अलावा और कोई दूसरा कोई व्यक्ति अपना कुछ अंश नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें दूसरा किसी कोई और भी होगा, उनका भी हिस्सा होगा, उनकी भी सृष्टि है, या ब्रह्मांड है इसमें ब्रह्मांड के पार्टीशन होंगे, आधा भगवान का है आधा किसी और का होगा, ज्यादा देवी देवता का है, ऐसा कुछ पार्टीशन कुछ नहीं है, पूरा भगवान का अकेला अधिपत्य है। तो भगवान को छोड़ के कोई भी इस तरह चल अचल कुछ भी अस्तित्व में है ही नहीं, सब भगवान भगवान ही उसके कारण है। तो किस तरह भगवान इस तरह कारण है, सातवें अध्याय में कुछ श्लोक के में भगवान इस तरह बताते हैं कि किस तरह सब कुछ के पीछे भगवान है, कैसे भगवान से सब कुछ आ रहा है। रसो हम अप्सु कौन्तेय या प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। तो भगवान बोले रसो अहम अप्सु कौन्तेय या टेस्ट वाटर, जो पानी का स्वाद है वो मैं हूं। इस तरह भगवान अपना असीम ओपुलेंस बताते हैं। तो इस तरह हम हमेशा ये भगवान की विभूति को जब जान जाएंगे तो हमेशा भगवान का स्मरण कर पाएंगे, भगवान का रिमेम्बरेंस बढ़ेगा, भगवान का स्मरण बढ़ेगा हमारे हमारे माइंड में। इस तरह यह श्लोक है, इसमें भगवान बोले कि पानी का स्वाद में हूँ, सूर्य का प्रकाश में हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, वेदों में ओमकार में हूँ, ईट साउंड में हूँ, ईथर में साउंड में हूँ, शब्द के पुरुष हूँ, पुरुष की जो क्षमता है वो शक्ति वो मैं हूँ, पृथ्वी, इसके बाद के 3-4 श्लोक है सब में भगवान यही बताए। इसके बाद वाले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो पृथ्वी की जो सुगंध है, रसो हम अप सुगंधे, वो मैं हूँ, मेरे से सब कुछ आ रहा है, पुण्यो गंध, जो गंध है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर सब कुछ गंध रस ये सब कुछ है, और वहां से वो भगवान के कारण है, और उसके कारण हम देखते हैं कि अलग अलग पेड़ पौधों उसके अंदर वो फ्रेग्रेंस आती है। हम देखते हैं कि एक फूल है, अलग अलग फूल एक बगीचे में, अलग अलग बीज डले, अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग फल हैं, सबके अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग सुगंध है, अलग अलग उसके अंदर अलग अलग फल है, किसी कोई खट्टा है, कोई मीठा है, किसी
किसी के अंदर साइट्रिक एसिड है, नींबू के अंदर एसिड है, तो सबके अंदर अलग अलग टेस्ट है, लेकिन इंग्रेडिएंट तो सेम है, सबको वही सूर्य प्रकाश मिल रहा है, सबको वही मिट्टी है, वैसी गार्डन की एक ही मिट्टी है, एक ही खाद डाल रहा है, सब कुछ एक ही है, लेकिन सबके अंदर अलग अलग आ रहा है। तो ये भगवान की शक्ति के कारण इस तरह आ रहा है। इस तरह एक और श्लोक में गीता में भगवान बोलते हैं, सोमो भूत्वा रसात्मका, चंद्रमा, यहाँ पे इससे पहले बोला चंद्रमा और वो मैं हूँ, फिर बोला कि चंद्रमा के कारण ये सबके अंदर रस आता है, और जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यते, सबका जीवन हूँ, तपस्वियों की तपस्या हूँ, और सबका ओरिजिनल बीज मैं हूँ, मेरे कारण सृष्टि हुई है, बुद्धिमानों की बुद्धि में हूँ, शक्तिशाली की शक्ति में हूँ। तो इस तरह अलग अलग श्लोक में भगवान इस तरह बताते हैं। तो एक और श्लोक पढ़ते हैं नवे अध्याय का, इसमें भगवान बोल रहे हैं कि मैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो हम एक श्लोक आता है ना, बहुत गाते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इस तरह एक श्लोक गाते हैं, फेमस श्लोक है। तो कहाँ लिखा है ऐसा भगवान ने कि अरे सब कुछ आप है। तो इसी श्लोक में, ये गीता में श्लोक में आया, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, तो भगवान पूरे ब्रह्मांड के पिता है, माता भी है, पिता भी है, दादा भी है, दादी भी है, सब है, और उसके खाता, उसके आधार भी सपोर्ट करते हैं भगवान सर्वपुरे ब्रह्मा। वेद्रम पवित्रम ओमकार, वेदों में जो पवित्र ओमकार है वो भगवान है, और ऋक साम यजुर्वेद में जो इस तरह वो है वो सब में है। तो सबकी सृष्टि भगवान से हुई है भगवान, और इस तरह बोलते हैं ये श्लोक में, गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव हृदय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। तो गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी, गति है मतलब जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो भगवान है, भर्ता सस्टेनर रक्षक प्रभु स्वामी है, साक्षी है, विटनेस है, सब कुछ देख रहे हैं भगवान क्या चल रहा है। सुहृत् सुहृत् मतलब सबके मित्र है, सबके शुभ चिंतक है। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्, इस तरह क्रिएशन एनिहिलेशन का आधार भगवान है, उनके द्वारा सब कुछ होता है, और इस तरह निधानम बीजम अव्ययम्, भगवान सबके रेस्टिंग प्लेस भी है। तो ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ये भगवान की विभूति है। थोड़ा सा कभी कभी इस तरह होता है कि विभूति जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उतना रस नहीं आता है, तो लेकिन फिर भी विभूति पढ़ना चाहिए, रस नहीं आता है जब हम किसी की विभूति के बारे में उतना सुनते हैं तो रस नहीं आता है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है, सुनेंगे तो हम फिर भी सुनना चाहिए, इससे हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जिस तरह श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंद है उसमें भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया, अपनी विभूति बताई है, ऐश्वर्य बताया, उसके बाद भगवान ने अपना माधुर्य बताया 10वें स्कंद में। तो वो लोग वो ऐश्वर्य नहीं पढ़ते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को पढ़ते नहीं है, पहला स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, सब एस्केप करके सीधे 9th, सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं, भगवान के माधुर्य में पहुंच का रस लेने लगते हैं। तो माधुर्य का रस नहीं मिलेगा, जब भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे तभी माधुर्य का रस मिलेगा, तभी माधुर्य को समझ पाएंगे। डायरेक्टली अगर कोई माधुर्य में जाके जाएगा बिना ऐश्वर्य के समझे तो वो बिवेल्डर हो जाएगा। इसीलिए भगवान का पहले हमें ऐश्वर्य समझना चाहिए, कितने महान है ये तो जाने, फिर कितने मधुर है वो भी समझ में आ जाएगा। तपाम्यहम वर्षम निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम अर्जुन। तो भगवान इसे बोलते हैं कि हे अर्जुन, उष्मा मेरे साथी है, ठंड मेरे साथी है,
वर्षा मेरे साथी है, किसी को अमृत या किसी को मृत्यु ये भी मेरे से, अमृतम चेव मृत्यु सदा सच्चा हम अर्जुन। इस तरह मैं दोनों हूँ, आत्मा भी हुए हूँ जड़ जगत भी हुए। एक श्लोक है 10वें अध्याय का, इसमें भगवान बोलते हैं कि जितने भी गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो भी भगवान के कारण, जो अलग अलग यहाँ पे कुछ गुण बताए भगवान ने, बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा शमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश भवंती भावा भूताना मत इव पृथक विधा। तो बहुत सारे गुण हैं यहाँ पे, बुद्धि ज्ञान और डाउट क्षमा सत्यता इंद्रिय नियंत्रण मन का नियंत्रण खुशी फियरलेसनेस अहिंसा समता सेटिस्फेक्शन। इस तरह अलग अलग जो गुण हैं सब भगवान के कारण है, तो सारे गुण भी भगवान के कारण है। और सारे बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज जो व्यक्तित्व हुए हैं वो भी भगवान के कारण हुए। महर्षय सप्तपुर चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोक। तो भगवान बोले कि जो सात बड़े ऋषि हैं और चार कुमार हैं, मनु हैं, ये सब मेरे से ही आते हैं, इनके ये सब बड़े बड़े लोग हैं। चार कुमार ऋषि मनु, बहुत शक्ति थी इनके अंदर, तो इनके इनका अपने आप में बहुत ऐश्वर्य है, इन सब का बहुत ऐश्वर्य है। और पता चल रहा है कि ये सब सब भगवान से आते हैं, हम तो एक छोटा ऐश्वर्य देख के ही खुश हो जाते हैं। अभी किसी को हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति है उसकी एक कंपनी में बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, उसको महीने का 1 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो महीने का 1 करोड़ अगर किसी को मिल रहा है तो हम देख के हमारी आंखें रो पड़ जाती है, अरे इसको इतना इतना ऐश्वर्य, उसको महीने का 1 करोड़ मिल रहा है। तो फिर पता चलता, अरे नहीं एक और व्यक्ति है उसको 2 करोड़ मिलता है। फिर बता देता तीसरे के बारे में, बता देता उसको 10 करोड़ मिलता है महीने में, इतना कमाता है। तो इस तरह के लोगों के बारे में पता चला कितना ऐश्वर्य है इनका, करोड़ों में कमाते, करते ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा कुछ करने से महीने में इतना पैसा खर्च भी नहीं कर पाएंगे, इतना लक्ष्मी पैसा है कमा लेते हैं। फिर जब हमें पता चलेगा कि ये जो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो कमा रहे हैं, इसके मालिक के पास कितना पैसा होगा कि वो इन सबको दे पा रहा है, मतलब इस व्यक्ति को नौकरी पे रख के रखा है, उसके पास कितना पैसा होगा, मतलब वो इन व्यक्ति की इनको सैलरी दे रहा है, इस तरह के बहुत सारों को सैलरी दे रहा है, तो उसके पास कितना पैसा होगा, करोड़ों का बिलियनर, बहुत ऐश्वर्य है उसका। तो इसी तरह हम देखते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, राजा हैं, ये सबका बहुत ऐश्वर्य है। इंद्र का बहुत ऐश्वर्य है, जब पंचम स्कंद में पढ़ते हैं हम इंद्र स्वर्ग लोक का वर्णन अलग अलग, पता चलता है इनका इतना ऐश्वर्य है, आकर्षण होने लगता है उनका ऐश्वर्य सुन के, तो अच्छा है इंद्र हम भी बनेंगे तो अच्छा है। इन सब का इतना ऐश्वर्य है और ये सब भगवान से आए हैं, तो फिर भगवान का ऐश्वर्य कितना है पता चल जाता है इससे, कितना ऐश्वर्य होगा। जिस तरह भागवत में आता है हिरण्यकशिपु के बारे में, हिरण्यकशिपु के बारे में आता है, हिरण्यकशिपु का बहुत ऐश्वर्य था, इतनी शक्ति थी उसकी, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता था, अगर आंखें उसकी भौहें ऊंची कर देता था गुस्से में तो देवता तक कांपने लगते थे थर 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 कि ऐसा नहीं हमारे ऊपर तो गुस्सा नहीं आया। तो पूरा ब्रह्मांड को कब्जा कर लिया था हिरण्यकशिपु ने, इतना उसका ऐश्वर्य था। तो ऐसे इतने बड़े हिरण्यकशिपु को बाद में एक छोटा बालक प्रहलाद के सामने वो हार गया, इतना इतना ऐश्वर्य था हिरण्यकशिपु का। एक छोटा प्रहलाद के सामने वो कुछ नहीं कर पाया, तो एक बड़ा हिरण्यकशिपु प्रहलाद के सामने कुछ नहीं कर पाया, तो जितना ही जितना हिरण्यकशिपु का जितना ऐश्वर्य था उससे ज्यादा तो प्रहलाद का हो गया, क्योंकि तो प्रहलाद को हरा नहीं पाया और प्रहलाद को शक्ति आ रही भगवान से, तो भगवान का कितना ऐश्वर्य है। तो ये श्लोक है 10वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक।
अहम आत्मा गुण आकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। तो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, भगवान बोले कि मैं सब जीवों के हृदय में स्थित हूँ। गुणाकेश सर्वभूताशय, सब जीवों के हृदय में मैं स्थित हूँ परमात्मा रूप में। अहम आत्मा परमात्मा रूप में भगवान सब जीवों के हृदय में स्थित है। और अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत, बोले मैं आदि हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी हूँ। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो मैं था, अभी सृष्टि चल रही है तब भी मैं हूँ, और जब सृष्टि खत्म हो जाएगी कुछ नहीं बचेगा तब भी मैं रहूंगा। आदि मध्य अंत तीनों भगवान। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत है वच। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत। तो आदि मध्य अंत सब भगवान के कारण है। कितना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है कि हम उसको चिंतन नहीं कर पाएंगे। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्री वाच्य नारिणाम स्मृतिर मेधा तीक्ष्मा। तो यहाँ पर कुछ गुण हैं जो कि जिस तरह की मृत्यु, तो भगवान बोले मृत्यु मैं हूं, कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को फेस करना पड़ेगा। सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु सर्वहरश्च, मृत्यु के समय में सब कुछ हरण कर लेता हूँ। जिस व्यक्ति का जो कुछ है मैं सब ले लेता हूँ मृत्यु के साथ ही, सब कुछ, व्यक्ति का कुछ नहीं रहता है। तो भगवान ने पहले बोला कि सब कुछ मेरा है, तो कुछ समय बाद हम सोचने लगते हैं, नहीं, मेरा है ये घर, मेरा है ये, मेरा प्लॉट है, मेरे नाम से इसकी रजिस्ट्री है। कब तक रहेगी रजिस्ट्री? मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, जैसे मृत्यु आएगी वो किसी और के नाम पे हो जाएगा, फिर उसके नाम पे भी हमेशा नहीं रहे, किसी और के नाम पे रहेगा। तो वास्तव में जितनी पूरा ब्रह्मांड है इसकी सारी की रजिस्ट्री भगवान के नाम पे है। सर्वलोक महेश्वर, भगवान ही सबके मालिक है। और कीर्ति और सौभाग्य, स्पीच, अच्छा बोलना, याददाश्त, बुद्धि, धृति, धैर्य, तो ये सब कुछ गुण हैं। ये सब सब भगवान से हैं। इस तरह सारे गुण भी भगवान से आ रहे हैं। 36 नंबर श्लोक। द्युतम छलय तामस्मि तेजस तेजस्विनाहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम्। तो द्युतम, तो भगवान बोले कि द्युतम छलय तामस्मि, जो बड़े बड़े इस तरह चोर है उनका मैं चोर हूँ, चोरों के चोर भी भगवान ऐसा बोल सकता है। तो गैम्बलिंग ऑफ द चीट्स, जो इस तरह धोखा देने वाले हैं उसमें मैं सबसे बड़ा धोखेबाज। तेजस तेजस बिना हम, जिसकी इसके जिसका इतना तेज है उन सबके तेजों को मैं तेज देता हूँ। जयो अस्मि, जिस तरह भगवान विजय है, एडवेंचर है, जिस तरह शक्तिशाली है, उनकी शक्ति भगवान से है। सेवन वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनाम अप्यहम व्यास कविनामुषनः कविः। तो इस तरह भगवान बोले कि वृष्णि नाम, जो वृष्णि वंश में, उसमें मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनिनों में मैं व्यास मुनि हूँ, और इस तरह कवियों में मैं उष्णा कवि, उष्णा कवि एक बहुत प्रसिद्ध कवि है, तो मैं हूँ। इसके बाद एक और बहुत अच्छा फेमस श्लोक है, 11 अध्याय का श्लोक है, 11 अध्याय का 32 नंबर श्लोक, 11 अध्याय का 32। कालोऽस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता द्वित्यपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तिता प्रत्यनिकेषु योधा। तो ये जो श्लोक है, भगवान ने जब अपना काल रूप अर्जुन को दिखाया तो इस तरह ऐश्वर्य दिखाते थे, 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग दिखाया, फिर विराट रूप दिखाया,
फिर काल रूप दिखा रहा है। काल रूप में अर्जुन ने देखा था कि जितने भी कौरव सैनिक है, कौरवों के बड़े बड़े सेनापति है, दुर्योधन है, दुशासन है, सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं और सबको भगवान के मुंह में जाके सब सब मर रहे हैं, मृत्यु के उसमें जा रहे हैं। तो उस समय अर्जुन ने पूछा था, एक कौन है आप? तो भगवान ने बोला था कि कालो अस्मि, मैं काल हूँ। कालो अस्मि लोक क्षय करत्प्रोत, तो काले मतलब मैं समय हूँ और लोक क्षय कर प्रोत, इस तरह मैं इस पूरे ब्रह्मांड का समय के रूप में, काल के रूप में क्या कर रहा हूँ, क्षय कर रहा हूँ। समय के साथ हर चीज का क्षय हो जाता है, कोई कोई भी नया नहीं रहता है। मोबाइल नया लेके आएंगे, कुछ दिन बाद उसमें स्क्रैच आ जाएगी, उसका कांच टूट जाएगा, पुराना हो जाएगा, उसके पास उससे आकर्षण कम हो जाएगा। नया नया गाड़ी लेके आएंगे, बहुत आकर्षण से रहेगा, पुरानी गाड़ी हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी फिर उसको चलाने की। नई गाड़ी है, बहुत अच्छा लगेगा, अरे नई गाड़ी आ गई। लेकिन लोक क्षय का क्रोध, हर चीज का क्षय होता है। शरीर नया है, अभी युवा अवस्था में है, अच्छा चल रहा है, कुछ समय बाद क्षय होने लगेगा, बाल सफेद हो जाएंगे, झुर्री आ जाएगी, शरीर में बीमारी आ जाएगी, क्षय होता है समय के साथ। तो इस तरह भगवान बोले, मैं सबका विनाश करने वाला हूँ। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो अभी अभी एक एक मूवी आई है कुछ कुछ महीने पहले, क्या नाम है, जो एटम बम बनाया था जिस वैज्ञानिक ने, और उसने जब पहली बार एटम बम हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब गिरा था, तो जब इस तरह एकदम से बहुत विनाश हो गया, शहर के शहर तबाह हो गए, तो वो व्यक्ति जो साइंटिस्ट था, ओपन हैमर उसका नाम था, वो जो ओपन हैमर वो भगवत गीता पढ़ता था, तो ओपन हैमर ने जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर इस तरह वो देखा, तो उस समय उसको ये भगवत गीता का यह श्लोक याद आया। ओपनली उसने ये कोट किया था भगवत गीता का श्लोक, पूरा स्पीच में सबके सामने, जब इस तरह हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो उसने ये बताया कि ये तो गीता में भगवान ने इस तरह कुछ बताया है कि इस तरह विनाश करने वालों में मैं विनाश करता हूँ, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने वाला। तो भगवान ने बोले कि रित्य अपि त्वाम न भविष्यन्ति, बोले बोले पांडव, हे अर्जुन, तुम्हें छोड़ के सबका नाश होने वाला है, सब सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और एक दो श्लोक है पढ़ लेते हैं, एक और हाँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो ये 15वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक है, इसमें भगवान बोलते हैं कि मैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं कौन हूँ, वैश्वानर, वैश्वानर मतलब डाइजेस्टिव फायर, प्राणिनाम देहम आश्रित, तो सारे सारे प्राणियों के देह में इस तरह स्थित हूँ, वैश्वानर मतलब डाइजेस्टिव फायर के रूप में भगवान है, प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विध। और इस तरह डाइजेस्टिव फायर क्या कहते हैं, हम तो खा लेते हैं, पचा पचता कैसे है उसके बारे में हमें ज्यादा, हम सोचते नहीं ज्यादा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं पचाता हूँ, अहम वैश्वानर, ये डाइजेस्टिव फायर मेरी शक्ति के कारण है, जठराग्नि। तो प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधा, इस तरह लाइफ एयर के साथ काम करके भगवान, और आउट गोइंग इनकमिंग, चार प्रकार के, जो पचामी अन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार के जो भोजन जो हम खाते हैं उसको भगवान पचाते हैं। तो भगवान अगर हेल्प नहीं करें हमें पचाने में, तो हम खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अच्छे से खा पाते हैं क्योंकि हम उसको पचा पाते हैं, जब पचा नहीं पाएंगे तो खा भी नहीं पाएंगे एक समय। 15वें अध्याय का 15वां नंबर श्लोक, इसमें भगवान अपनी थोड़ा सा ऐश्वर्य बता रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित हूँ, भगवान सारे जीवों के अंदर, मनुष्य केवल मनुष्य नहीं,
जितने भी जीव है, चींटी एक मच्छर जिसको हम, तो मच्छर का टाइम बहुत सारे मच्छर होंगे जिसको हम ऐसे मार देते हैं, तो मच्छर के हृदय में भी भगवान है, सारे जीवों के अंदर। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, सब जीवों के हृदय में मैं स्थित हूँ। और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपदो, भगवान के कारण हमारी स्मृति आती है, ज्ञान आता है। और अपोहनम, अपोहनम मतलब कोई चीज हम भूल जाते हैं ना, वो भी भगवान के कारण। परमात्मा याद दिलाते हैं, परमात्मा कभी कभी भुला भी देते हैं परमात्मा, है ना। हम बहुत याद करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले एग्जाम में जाके बैठते हैं, कुछ चीजें याद आती है, कुछ याद नहीं आती है, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। कभी कभी एग्जाम टाइम में याद नहीं आती, एग्जाम से बाहर नहीं, जैसे एग्जाम खत्म हुआ बाहर निकले एकदम से वो याद आ जाती है। तो हमारा इस तरह स्मृति है, और बहुत सारी चीजें भुला देते हैं भगवान। अगर भुलाएंगे नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। मान लो आज हम बहुत दुखी है, किसी ने मारा या कुछ हो जाता है, रिजल्ट खराब आया, तो हम दुखी हो, दुखी रहते हैं, तो कुछ थोड़ी समय के लिए दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी नहीं रहते हैं, तो दुख भी भुला देते हैं, सुख तो भुला देते हैं, दुख भी भुला देते हैं। अगर भगवान हमारे दुख को नहीं भुलाते तो हम हमेशा खुश नहीं रह पाते। इस तरह दुख सुख में हमेशा भगवान हमारे साथ है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदों में जो कुछ जानने योग्य है भगवान बोलते कि मैं ही उस, मुझे ही जानना चाह जानना होता। वेदांत कृत वेद विदेव चा, इस तरह मैं वेदांत कृत हूँ। आखिरी श्लोक आज का 61 18। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, धामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। इसमें भगवान अपना उतारे थोड़ा सा ईश्वर की, इससे पहले वाले श्लोक में भी यही बताया था कि मैं सब जीवों के हृदय में स्थित हूँ। इस श्लोक में भी बोला ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान बोले कि मैं सब जीवों के हृदय में स्थित हूँ। और भ्रामयन् सर्वभूतानि, हर जगह में भ्रमण कर रहा हूँ, हर जगह कैसे भ्रमण करें, हृदय में स्थित है और हम जहाँ जा रहे हैं भगवान भी उधर जा रहे हैं। हम भोपाल में, भगवान भोपाल में, इंदौर जाएंगे, इंदौर चले जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, उज्जैन चले जाएंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे, वहां भी साथ में जाएंगे। तो अलग अलग जितने शरीर में हम जाते हैं, करोड़ों सालों से जा रहे हैं, आगे जाएंगे, भगवान साथ में रहते हैं। और ऊपर के लोग, नीचे लोग, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जीव जाता है भगवान साथ में जाते हैं। यंत्र आरूढ़ आने वाला, जिस तरह की यंत्र के ऊपर आरूढ़ होके हम चलते हैं, इसी तरह शरीर रूपी यंत्र के ऊपर हम आरूढ़ हैं। अभी हम जो शरीर में है, ये शरीर नहीं है, यंत्र है। यंत्र को उसी तरह ध्यान देना पड़ता है, इसमें फ्यूल डालना पड़ता है, सर्विसिंग करानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो यंत्र है, यंत्र आरूढ़ आनी, तो यंत्र के ऊपर हम आरूढ़ है, शरीर के अंदर हम हैं, तो मतलब यंत्र आरूढ़, तो माया या मतलब भौतिक शक्ति का ये यंत्र है। तो ये भगवान की कुछ, भगवान की कुछ विभूति, ऐश्वर्य है जो हमने आज पढ़ा। तो विभूति तत्व के श्लोक थे, इस श्लोक पढ़ने से थोड़ा सा पता चलता है कि भगवान का कितना ऐश्वर्य है, कितने विभूति है। और जब भगवान का ऐश्वर्य पता चलेगा तो हम भगवान को शरणागत हो सकते हैं, भगवान विनम्रता आएगी हमारे हृदय, और भगवान के प्रति एप्रिसिएशन बढ़ेगा, भगवान का चिंतन बढ़ेगा। तो ये विभूति योग या विभूति तत्व जानने का भी बहुत आवश्यकता है। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम, श्री भगवद गीता की जय, श्री भगवत की जय।